देखिए आप जिंदगी में किसी इंसान को देखते हैं, पहली मर्तबा देखते हैं, वो इंसान आपको अच्छा लगता है, आपको प्यारा लगता है, आप सोचते हैं यार ये बंदा मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये क्यों प्यारा लगता है, आज से कबल मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई, मैंने कभी इसे देखा नहीं, इससे बात नहीं की, लेकिन महसूस यूं होता है कि सदियों का रिश्ता है, महसूस यूं होता है कि मुद्दतों का रिश्ता है, एक अरसे से इसे जानता हूं। इंसानी कल्ब में, इंसानी दिल में एक इंक्लिनेशन, एक कल्बी मैलान पैदा होता है, एक कल्बी रुगबत पैदा होती है, यार मैं इसे जानता नहीं, कभी इससे मुलाकात नहीं हुई, कभी इससे बात नहीं हुई, कभी इससे गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन क्यों ये मुझे अच्छा लगता है। उस लव को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। अच्छा कोई ऐसे इंसान होते हैं, हम पहली मर्तबा उनसे मिलते हैं, उन्हें देखते हैं तो नफरत महसूस होती है, अगरचे उनकी रियलिटी को हम जानते नहीं, हम समझा नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, यार ये बंदा मुझे बुरा क्यों लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगता, इसने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, कोई नुकसान नहीं दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन ये मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है, इसी को अंग्रेजी में लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। व्हेन यू सी समवन एंड यू फॉल इन लव विद हिम एंड यू कांट एक्सप्लेन व्हाई यू आर इन लव विद दैट पर्सन, आप समझा ही नहीं पाते कि ये बंदा मुझे अच्छा क्यों लगता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से पहले, इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में तुम थे, और तुम्हारी रूह आलमे अरवाह में जिसकी रूह से करीब थी, अगर जिंदगी में उससे मुलाकात हो जाए तो तुम्हें उससे प्यार हो जाता है।